हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सभी का आपके हमारे वैकेंसी एरा एजुकेशन में या फिर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? आज अपन फिर से डीआरडीओ के बारे में बात करने वाले हैं। डीआरडीओ में नई वैकेंसी आ चुकी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। भारत के सभी विद्यार्थी इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 80,000 से अधिकतम सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे संबंधित क्वालिफिकेशन है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, और जो विद्यार्थियों को डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे या फिर आवेदन करने में भी आपकी मदद करेंगे। काफ़ी समय बाद इसकी वैकेंसी निकली है। आपको बता दें कि छोटे छोटे पदों पे अलग अलग वैकेंसियां अलग अलग डिपार्टमेंट से निकाली जा रही है। इसका विज्ञापन की मैं बात करूं तो देखिएगा, ये रहा इसका विज्ञापन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो त्रिपुरा है, न्यू दिल्ली से संबंधित इसकी वैकेंसी निकाली गई है। आपको बता दें कि फिलहाल अभी जो वैकेंसी या फिर जॉब लोकेशन की बात की जाए वो लखनऊ होगी। अब इसमें देखिएगा, जिसमें आप लोगों को आवेदन करनी है वो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ऑफिशियली साइट पे जाना होगा। RCC यानी कि रिसर्च अथॉरिटी सेंटर के अनुसार इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें ऑफिशियली साइट पे विजिट करना होगा और वहाँ से आप लोगों को पोस्टों पे अप्लाई करना होगा। मैंने पहले ही कहा था कि DRDO की छोटी सी संस्था है, अलग अलग इसकी संस्था है, DRDS वाली इसकी संस्था हुई, DRDO इसकी संस्था हुई, JFC वाली इसकी संस्था हुई, अलग अलग संस्था इसकी है। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी की बात की जाए तो करीबन 38 के आसपास इसमें पोस्टें दे रखी है। क्वालिफिकेशन की पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा क्वालिफिकेशन के बारे में, एडियो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि मैकेनिकल हुआ या फिर कंप्यूटर साइंस हुआ या फिर आपके पास 13 साल का एक्सपीरियंस हुआ, ये सब चीज़ें होने के बावजूद ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर इनमें से मान लीजिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है और मास्टर डिग्री है तो भी आप लोग इंजीनियरिंग से, तो ये भी होना जरूरी है और ये मास्टर डिग्री भी होना जरूरी है, यानी कि MTech दोनों में से ये भी लगा सकते हैं। अगर ये है तो भी लगा सकते हैं, अगर ये नहीं है तो भी ये लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन में इस तरीके के सवाल आपको कन्फ्यूज करेंगे। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार और बाकी ट्रेडों को आपको देखना होगा, MTech BTech की क्वालिफिकेशन होगी, ज़्यादातर BTech और MTech की क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है, तो ये भी आप लोग क्लियर कर लें। एक्सपीरियंस सभी में मांगा गया है, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बिना सीधी भर्ती आप लोगों को कैसे मिलेगी, ये भी पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं है तो एग्जाम नहीं रहने का रीज़न यही है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। फिर उसके बाद आप लोगों के मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, कई विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे इसमें, कई न्यू, मेरा कहने का मतलब ये कि न्यू स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं DRDO रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। ये पोस्टों के आधार पे BTech बैचलर डिग्री MTech वाले विद्यार्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा भारत का कोई भी विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अगर आप लोग इसमें आवेदन करेंगे, कुछ बिना एक्सपीरियंस वाली भी पोस्टें, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस सभी में मांगा गया है, कुछ पोस्टें ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थोड़ा चीज़ें हैं और इन चीज़ों को क्लियर कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं देना होगा, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, हो सके मेरे से मिस हो गया हो तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो मैं पॉइंट पहले से क्लियर कर देता हूँ, 7 जून से इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और करीबन आप लोग इसमें 28 जून तक आप लोग अप्लाई करेंगे। फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन होगा, एग्जाम नहीं देनी है, एक्सपीरियंस के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको चयनित किया जाएगा। इंक्वायरी लेनी है तो आप इसकी ऑफिशियली साइट पे मेल पे जाके खुद मेल कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। पर 18 से 50 वर्ष या 45 वर्ष या 35 वर्ष तक का विद्यार्थी युवा इसमें अप्लाई कर सकता है, ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात मैं पहले ही कर चुका था, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो ये पॉइंट ध्यान से रखें, चाहे भले महिला हो, जर्नल की या फिर OBC की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, सबके लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो ये पूरा विज्ञापन 17 पेज का एक एक पॉइंट इसमें क्लियर कर रखें, तो इसका मतलब आप लोग सोच सकते हैं इसमें कितना टाइम आप लोगों को देना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि मोस्टली चीज़ें मैंने बता दी है। आप लोग अगर क्वालिफिकेशन है, नहीं है तो वीडियो शेयर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर एक नए वैकेंसी की अपडेट देंगे आपको। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।